वहाँ दही गोश्त बनाऊंगी, इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है और यहाँ 8-10 हरी मिर्च है, 2 ओनियन है हमने छील लिया इसे, ओनियन और ग्रीन चिली को मैं एक साथ बगैर पानी का ग्राइंड कर लूँगी, 2 टीस्पून गार्लिक और 2 टीस्पून जिंजर है, ये 12-14 ब्लैक पीपर है, 4 छोटी इलायची है, 4 लौंग है, 2 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है। मैंने कढ़ाई में घी डाला है 2 टेबल स्पून, आप ऑयल से भी बना सकते हैं, मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल दूंगी। खड़े मसाले डालने के थोड़ी देर बाद मैं मटन को इसमें डाल दूंगी। मैं मटन डाल के भून लूंगी पहले। मैं गोश्त को 5 मिनट तक भून लूंगी। मैंने 5 मिनट तक गोश्त को भून लिया है, मैं इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दूंगी। और फिर इसे भून लूंगी। मैं ग्रीन चिली और ओनियन को मैं ग्राइंड कर ली हूँ, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और डाल के गोश्त को भूनूंगी। मैं गोश्त में डालने के लिए मसाला बनाऊंगी, इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून धनिया लिया है खड़ा, 1 टेबल स्पून जीरा है, टीस्पून गोल मरीच है। सारे मसाले को मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। मैंने रोस्ट कर लिया है और अब मैं फ्लेम को बंद करूंगी और इसे ड्राई ग्राइंड कर लूंगी, ठंडा होने पे मैं इसे ग्राइंड करूंगी। मैंने खड़े मसाले का ऐसा दरदरा पाउडर बनाया है, मैं इसे इसमें डाल दूँगी गोश्त में। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा बनाना है। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी। मैं कुकर को बंद कर लूंगी, कुकर का लीड लगा लूंगी। 1 सीटी आने के बाद से मैं फ्लेम को लो करूंगी और 12 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम पे। मैंने 400 ग्राम गाढ़ा वाला दही लिया है इस तरीके का, मैं इसे फेंट लूंगी।
कुकर को हमने खोल लिया है ढक्कन, गोश्त गल चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी, ये ताज़ा दही है, बहुत खट्टा वाला नहीं है। अब फ्लेम को लो करूंगी। मैं गोश्त को दही के साथ गोश्त को भून लूंगी लो फ्लेम पे। मैं दही के साथ गोश्त को पकाऊंगी लो फ्लेम पे। फ्लेम को हाई नहीं करना है, गोश्त पकने लगा है दही के साथ। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर लूंगी और मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल दूंगी। इसे और मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने गरम कोयला रखा है, इस पे ऑयल डालूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। मैं स्मोकी बनाऊंगी गोश्त को। मैंने दही धुआं गोश्त को धुआं लगा लिया है, मैंने 3 मिनट तक इसको रखा है और अब मैं निकाल लूंगी। बहुत ही टेस्टी स्मोकी दही गोश्त बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसे सर्व करूंगी। हमने दही धुआं गोश्त को सर्व किया है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं दही धुआं गोश्त। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।